नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि पीपल के पेड़ का जो पत्ता होता है उससे किसी का वशीकरण कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दो पत्ते लेने हैं। पत्ते पीपल के पेड़ के होने चाहिए। वो आपको दो बड़े बड़े जो पत्ते आते हैं वो आपको दो पत्ते लेने हैं। एक पत्ते पे आपका नाम लिखना है और दूसरे पत्ते पे आपको उसका नाम लिखना है जिसको वश में करना चाहते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, नाम लिखने के बाद में आपको इसका जाप करना है। आपको इसका जाप करने के बाद आपको ऊपर वाले से ये दुआ करनी है कि फला आदमी या फिर फला लड़की ये मेरे वश में हो जाए, ये मेरे ताबे हो जाए। ये करने के बाद में जो आपने दो पत्ते लिए, जिन पत्तों के ऊपर आपने आप दोनों के नाम लिखे हैं, उन पत्तों को आप मिलाइए और उसके ऊपर काला धागा या फिर लाल धागे को आप लेकर और उन दो पत्तों को आप बांध दीजिए एक दूसरे से मिला के। और बांधने के बाद में आपको क्या करना है कि जिस पीपल के पेड़ का जो पत्ता आपने तोड़ा है उसी पीपल के पेड़ के पास आप जाइए और उसी पत्ते को, ठीक है, उस पीपल के पेड़ के नीचे आप रख दीजिएगा। आप यकीन मानिए 2 से लेके 3 दिन तक, लास्ट है 3 दिन और ज्यादा ज्यादा 2 दिन, तो 2 से लेके 3 दिन में आपका काम हो जाएगा 100%, ये मेरा वादा है। अगर आप सच्चे मन से जो मैंने आपको बताया